नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। इस वक्त की खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल सुबह 9:30 पर घर से ट्यूशन पढ़ने गया छात्र शाम तक घर पर लौट नहीं आने पर घरवालों को रात भर नींद नहीं आई। उसके साथ पढ़ने वालों के घर जा जाकर रात भर जानकारी की, परंतु कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। आज सुबह परिजनों ने थाने पर आकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग करीब 30 घंटे पहले घर से ट्यूशन पढ़ने जाने की कहकर लापता हुए युवक की मौत की खबर जब प्राप्त हुई, जब कोई चरवाहा बयाना की पहाड़ी से उतर कर आ रहा था, तो उसने सप्तकुंड के पास किसी युवक की लाश देखी। उसकी सूचना पर पुलिस ने गुमशुदा के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहाड़ पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त करने के बाद बताया कि यह हमारे बेटे का ही शव है। मृतक युवक अभय राजोरा पुत्र विष्णु राजोरा, उम्र 17 वर्ष, जाति खटीक, शिव कॉलोनी बयाना निवासी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बयाना मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पैरों में चोट के निशान है। पुलिस सभी पहलुओं को जोड़कर मामले की जांच कर रही है, जबकि परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। जो हत्या की हुई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये मर्डर है, जिस हिसाब से इस बच्चे के चोटे हैं, और सतकुंड पहाड़ पे, जबकि कोई बच्चा जा नहीं सकता और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ इस परिवार के लिए न्याय जरूर चाहिए, और पुलिस से मेरा अनुरोध है कि मुलजिमों को तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए। जिस तरीके से इन्होंने किया है, किसी ने भी किया है, मैं ये नहीं कहता। बयाने की इतनी बड़ी जनता है, हर माँ बाप को अपनी औलाद के लिए खुश रहने की है, और ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि हर बच्चा कहीं भी घूम सके। ये सिर्फ प्रशासनिक कमजोरियां हैं, जो कि इस तरीके से एक बच्चे का अपहरण, या ये कहें कि एक बच्चे को इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे जो भी व्यक्ति हो, जो भी इंसान हो, उसके लिए कम से कम इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि दोबारा से कभी बयाने के अंदर इस तरीके की घटना ना हो। ठीक है, बयाने की जो जनता है, जिस तरीके से जिन्होंने अपने अपने बच्चों को पाला पोसा है, उनकी खुशियों में अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत है, तो भाई वो व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से ऐसा व्यवहार ना करें। दूसरी बात, जो अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं इसके लिए नहीं कि कोई मर्डर कर जाएगा। हम अपने बच्चों को इसलिए पालते पोसते हैं कि हमारा आगे चल के कोई भविष्य होगा।